नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान सरकार ने रीट के माध्यम से 32,000 पदों के लिए तो भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया, वही नई 20,000 भर्ती के लिए भी घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 20,000 पदों पर भर्ती करने के लिए ट्वीट किया है। वहीं कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसमें कि नॉन टीएसपी एरिया में लेवल फर्स्ट के पदों की, इसमें सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के कुल 11,940 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। टीएसपी एरिया में सामान्य शिक्षा के 3,500 और विशेष शिक्षा को मिलाकर 3,560 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। नॉन टीएसपी एरिया में लेवल टू के लिए कुल 13,865 पद, वहीं लेवल टू में टीएसपी एरिया के लिए 2,635 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। 10 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2022 को रात्रि 12 बजे तक है। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, तो 10 जनवरी 2022 से आप अंतिम दिनांक का बिना इंतजार किए इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आप sso.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। रीट 2021 में जिन लोगों के 60% से अधिक नंबर है, वे अनारक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी से आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से यानी EWS, OBC, SBC, ST/SC के लिए 55%, समस्त श्रेणी की विधवा परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% तथा निःशक्त श्रेणी के लिए 40% और शहरी आदिम जाति वर्ग के लिए 36% न्यूनतम उत्तीर्णांक रीट के बताए गए हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए तथा एसबीसी के लिए 100 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रिमिलेट श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 70 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शहरी वर्ग के लिए 60 तथा अन्य राजस्थान के सभी वर्ग के निःशक्त जन जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 60 रुपये आवेदन शुल्क रखा है। अन्य सभी न्यूनतम शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक योग्यताएं आप इस विज्ञप्ति पर विस्तार से देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, साथ ही आप वेबसाइट के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम 20,000 पदों की भर्ती के लिए, उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, परंतु इसी ट्वीट के साथ जो वर्तमान में चल रही है 32,000 पदों की भर्ती, उसी के लिए कहा है कि उसी में 20,000 पद और जोड़े जाएं। जबकि श्रीमान अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है, इन्होंने ट्वीट करके नई भर्ती के लिए ही कह दिया है। वर्ष 2022 में 14 व 15 मई को रीट परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय किया है, जिसमें प्रदेश में करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों हेतु भी प्रावधान किया जाएगा, इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स एवं पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार का ट्वीट श्रीमान अशोक गहलोत ने 31 दिसंबर 2021 को किया है तथा नई भर्ती के लिए निर्णय दिया है। लेकिन बेरोजगारों का कहना है कि जो वर्तमान में भर्ती चल रही है उसी में पद बढ़ाए जाएं, क्योंकि नई भर्ती के लिए उन्हें बार बार दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस का भुगतान करना पड़ेगा तथा कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परंतु एक तरफ देखा जाए तो सरकार का मत यह है कि जो लोग 2021 रीट परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, जिन्होंने अर्हता प्राप्त नहीं की है, उनके लिए एक नया अवसर 2022 की रीट में मिल पाएगा। इसी के साथ ही बेरोजगारों ने जहां मोर्चा खोल दिया है, वहीं सरकार ने अपना निर्णय एक तरह से सुना दिया है, जिसमें कहा है कि 32,000 पदों पर वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण करेंगे तथा 2022 में 20,000 पदों के लिए नई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए जानकारी, आपका इसके विषय में क्या कहना है कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए जीके अभी यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाइए नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।